नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सरकार ने देने का फैसला किया है। इसकी पूरी प्रक्रिया और सब कुछ देखने के लिए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए लेटेस्ट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी योग्यता के बारे में, सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग जो योग्य हैं इसके लिए पेंशन के लिए। उनमें किसान, मजदूर, ग्रामीण, भूमिहीन श्रमिक, ईंट भट्टा कर्मकार, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, बीड़ी कामगार, हथकरचा कामगार, आंगनवाड़ी कर्मी, फल एवं सब्जी विक्रेता, मनरेगा कर्मी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सफाई कर्मी, सखी मंडल के सदस्य, दुकान कर्मी, कुम्हार, ऑटो टैक्सी चालक, फूल विक्रेता, माली, गृह आधारित काम करने वाले, गली में फेरी लगाने वाले, रसोईया और कूड़ा पीजने वाले। इसके अलावा इन सब की कंडीशन के अलावा इनकी आयु आय के बारे में क्राइटेरिया दे रखे हैं। इनकम के बारे में, वो इनकम से कम आई इनकी इनकम होनी चाहिए वो लोग इसके लिए योग्य माने जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज जो चाहिए उसके लिए हम ज़रूरी दस्तावेज के बारे में एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदन का श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो, ये सब कुछ दस्तावेज चाहिए। इसके अलावा ई मित्र पे हम आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। इसकी एज जिनकी इन जो योग्य इसके लिए कैंडिडेट है उनकी आयु के बारे में बात की जाए तो उनकी आयु बताई गई है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए वो इसके लिए योग्य हैं। और इनकी जो पेंशन होगी वो 60 वर्ष के बाद शुरू की जाएगी। इसके लिए इनको पहले भुगतान करना पड़ेगा हर महीने, लगभग इनके भुगतान के लिए क्राइटेरिया दिया गया था कि जिनकी आयु 18 वर्ष है उनको कम से कम ₹55 प्रति माह के रूप में हर माह देने पड़ेंगे 40 वर्ष की आयु तक देने पड़ेंगे। उसके बाद में इनकी पेंशन जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा वो व्यक्ति, तब उसको ₹3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। उसके अलावा जिनकी आयु ज़्यादा है जैसे 29 वर्ष है उससे ज़्यादा, लगभग उनको ₹100 प्रति माह हर महीने जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तब उसे ₹3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इसके लिए और फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।